गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे। सो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड जो मैं दो मिनी व्लॉग में बोल रहा था कि हम लोग ट्रिप पे जाने वाले, वो ट्रिप आज शुरू हो रही है। तो हम लोग जा रहे हैं मोम्बासा एंड मे बी द रूट इज गोइंग टू टेक 3 to 4 आवर्स और आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो बस एस्टिमेट कर रहा हूँ कि रूट कितना लंबा होगा। तो बस चलते हैं, देखते हैं रूट कितना लंबा है। तो बस अभी तो मम्मी एंड वो सब रेडी हो चुके, सामान डाल रहे गाड़ी में। तो चलो निकलते, वरना कहीं मेरे को भी डांट लग जाएगी। तो अभी हम आए हैं हमारी BMW में खाना डलवाने। तो 40 लीटर का खाना इसको दे देते, फिर ये कंटिन्यू चलेगी। कितना अंधेरा है देख रहे हो। एंड यहाँ से नैरोबी के थोड़े बहुत घर भी दिख रहे हैं। देखो चारों तरफ फॉग है एंड दूर दूर तक ऐसे ही जंगल है एंड क्लाउड भी बहुत सारे। तो आई डोंट नो हमको सनराइज दिखेगा कि नहीं। अब मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना रूट देख लिया जाए कि डेस्टिनेशन कितना दूर है, क्या है। तो देखो रूट तो थोड़ा zigzag वाला है एंड 6 hours 7 minutes किलोमीटर्स एंड स्पीड वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। तो बस ये सब कुछ देखते हैं, बाकी तो अभी थोड़े बोर हो रहे हैं। यहाँ पे देखो सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ मैं, पापा, मम्मी का कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल तो सब लोग सो ही रहे हैं। एंड बस मैं तो व्यू देखता जा रहा हूँ जो दिख रहा है वो, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, फोगी वेदर है। देखो हम इंडियंस का जुगाड़, पीछे 3 सीट में 5 जन हम लोग इंडियन ऐसे ट्रैवल करते। देख रहे हो सब लोग मस्त फैला के बैठे हुए, गाड़ी की सीट का एक भी कोना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। गाइस देखो आधा माउंटेन क्लाउड से ढका हुआ है, कितना सेक्सी लग रहा है। वाओ, आई लाइक इट, सीरियसली आई विश आई कैन गो देयर। अभी सब लोगों को नींद आ रही है तो मैं बोर हो रहा हूँ, तो चलो हम थोड़ी मूवी देख लेते हैं। तो गाइस मैं मूवी देख के बोर हो गया एंड अभी लंच बार वगैरह लेके आया हूँ। तो चलो ट्राई करते हैं लंच बार। हाँ मम्मी, मम्मी डैडी ने सुबह से कंटिन्यू गाड़ी चल रही थी, अब जाके गाड़ी रुकी है एंड सब लोग आराम कर रिलैक्स हो रहे हैं। एंड मैं बस यहाँ से पास में एक शॉप थी तो वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली सबके लिए। एंड अब जाके मतलब थोड़ा खुला होने को मिल रहा है। गाइस दिस इज कॉल्ड नेचर, सो क्यूट सो क्यूट। अब जाके धूप निकली एंड थोड़ा आकाश भी खुला हुआ दिखा एंड थोड़ा बहुत अब अच्छे से व्यू भी दिख रहा है, तो अब सही लग रहा है। अगर आप लोगों को अचानक खुला हुआ आकाश दिखे, धूप दिखे एंड ये वाला सीन दिखे ना, तो समझ जाओ कि आप लोग मोम्बासा में घुस चुके हो। तो ये है इसका एंट्रिंग टनल, जहाँ से मोम्बासा का काउंटिंग शुरू होता है। तो ये बेसिकली एक गांव है, लेकिन थोड़ा बड़ा वाला गांव है। तो यहाँ पे बहुत कुछ बिल्ड भी हो चुका है। तो बस यहाँ पे थोड़ा मौसम एंड लुक एंड वाइब इंडिया वाली आती है। तो आगे टुक टुक वगैरह भी यहाँ पे आपको दिखेंगे, जिसको इधर टुक टुक बोलते हैं लेकिन इंडिया में रिक्शा वगैरह भी बोलते हैं। तो देखो पूरा वाइब इंडिया का है, मतलब इतनी तड़कती घड़कती धूप है कि क्या ही बताओ। मतलब अब हमको भी ऐसा लग रहा है कि हे कोई धूप से निकाल दो। ओ भाई देखो सामने कितनी मस्त मस्त गाय चारा खा रही है। मतलब cows are there eating grass, oh my god, I like it, full vibes यार। तो अभी हम आए हैं लंच करने, जो हमारे साथ ट्रिप में आए हैं ना उसके यहाँ कज़िन है तो उसके यहाँ लंच करने आए हैं। तो वो लोग हमारे से 30 मिनट्स पहले आ गए। हमारे पापा थोड़ी गाड़ी स्लो चलाते हैं क्योंकि उसको डर लगता है कि शार्प ब्रेक मारे एंड हमको कहीं लग लुक गई, तो इसलिए स्लो चलती है हमारी गाड़ी। तो ये है हमारा आज का लंच। अभी सब लोग बातें कर रहे रास्ते में किसके साथ क्या हुआ है। तो बस कोई पूछ रहा है लेट क्यों हुए, कोई पूछ रहा है ये किया, कोई बोल रहा है वो किया। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे कज़िन के यहाँ। तो रास्ते में मुझे रिक्शा स्टैंड दिख गया, तो यहाँ से आप बहुत सारे रिक्शे ले सकते हो एंड बच के यहाँ थोड़ा स्कैम ना हो जाए। तो ये है मेरे मौसी का घर एंड ये है मेरे कज़िन ब्रदर सिस्टर एंड देखो सब लोग यहाँ पे अभी रिलैक्स होके बैठे बातें कर रहे हैं। ये देखो ये व्यू कितना मस्त लग रहा है एंड बालकनी से आ रहा है, एक नंबर। बैठने के लिए भी स्पेस है तो बस बैठो व्यू एंजॉय करो, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम पार्किंग लॉट में आए हैं क्योंकि यहाँ पे बाहर मको मगाई वगैरह मिल रहा है। तो बस 4 बज चुके तो नाश्ता करेंगे। मैं मेरे कज़िन भाई एंड डैडी हम लोग नीचे आए हैं, मम्मी दीदी एंड वो सब ऊपर है। मासी को हेल्प कर रही है डिनर के लिए क्योंकि डिनर आज का यहीं पे है, उसके बाद जहाँ पे हम रहने वाले हैं वहाँ पे जाएंगे डिनर करके। ये देखो फ्रेश फ्रेश मकाई मोगो एंड स्वीट पोटैटोज एंड वेफर वगैरह सब कुछ फ्रेश आंखों के सामने बन रहा है। तो यही तो है मोम्बासा की वाइब्स एंड साथ में इंडिया वाली वाइब्स जो हमारे रिक्शे वगैरह बैकग्राउंड से निकलते पीपी एंड चू चू करते हुए। एंड देखो फ्राइड मोगो भी है इधर। तो बहुत सारी आइटम्स है जो आपको ट्राई करनी चाहिए इधर आके। तो मैं तो बस ये सब कुछ फ्रेश थोड़ा लेके जाऊँगा एंड फिर मासी के घर सब मिल के खाएंगे नाश्ता। तो बस गर्मा गर्म क्रिप्स बन रही है यहाँ पे। ये देखो मैंने बस इतना ही लिया है, आधा मसाले वाला आधा बिना मसाले वाला। मेरे 2 कज़िन भाइयों को देखो, मैं तो यहाँ पे घूमने आया हूँ, ये तो यहाँ पे ही रहते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आज हम तुम्हारे साथ नाइट आउट करेंगे। तो ये लोग अभी फ़िलहाल अपने कपड़े पैक कर रहे हैं क्योंकि मैं इधर नहीं रहने वाला, मैं कहीं और जाने वाला हूँ। तो ये लोग बोल रहे कल स्विमिंग जाएंगे, मैंने बोला 100% तो नहीं है, जाएंगे तो जाएंगे। तो ये लोग बोल रहे ठीक है चलो अभी तो पैक कर ले कपड़े। देखो मौसी ने मस्त गर्मा गर्म डिनर बनाया है, इडली दाल। तो चलो इस छोटे छोटे कज़िन्स के साथ बातें करते एंड डिनर कंप्लीट करते। तो अभी तो देखो सब लोग डिनर ही कर रहे हैं फिलहाल। तो अभी बहुत लेट हो चुका है एंड हम हमारे कज़िन के घर से डिनर करके आ चुके हैं। तो अभी हम इसी घर में रहने वाले, तो हाउस टूर कर दूंगा। तो चलो मिलता हूँ आप सबको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। एंड हाँ थोड़े व्लॉग लेट आए तो आई एम सॉरी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इश्यू भी है एंड मेरे पास वाईफाई भी नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट।